चलते हैं दोस्तों साथ साथ एक और एक दो और शौक भी देखते हैं। ये केजिस के मन के बता दूंगा आपको, केजिस बना रहे हैं ना ये 3 केजिस हैं, 4 बाई 5 के हैं तकरीबन ना। इसके ऊपर स्लेब्स आएंगी, स्लेपे डालेंगे, फिर दरवाजे लगाएंगे। जैसे स्लेब का ऑर्डर भी देंगे वो आपको डालते हुए भी दिखाऊंगा। उसके अलावा ना ये दरवाजों को भी ऑर्डर देना है। दरवाजों का ऑर्डर मेरे ख्याल तब देंगे जब इसकी छत दे देंगे। और ये मोर देखें माशाल्लाह, इसके पर देखें मोर के, ये माशाल्लाह। ये नपाई यहाँ से यहाँ तक 5.5 फुट, ऐसे नहीं साढ़े पांच फुट होती है इसकी चक्कर। इसकी कम है, इसकी इतनी 4 फुट 10 इंच नीचे जा रहा है, 7 पे आ गए। अब उसकी सीधा सीधा है पूरा काम, यहाँ तक पूरा 5 फुट पीछे से। कब इतना 5 फुट आ रहा है, इधर 5 फुट से कम, ये क्या पीछे पीछे लेवल नहीं है इसके ऐसे। यार दोस्तों ये दरख्त है ना, इस दरख्त के नीचे ये बनवाया है इसलिए ताकि पूरी आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसकी। ये दरख्त है, इसके नीचे बनवाया ताकि देखो छांव है ना, सुबह सवेरे धूप होती है यहाँ पे, फिर छांव हो जाती है इस जगह पे। और ये माशाल्लाह अंजीर का दरख्त लगा हुआ है, दरख्त है, हवा वगैरह होती है। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन रहती है थोड़ी बहुत, वो भी मैं आपको जब होगी दिखाऊंगा सारा कुछ। ये माशाल्लाह से हमारे गिनी फॉल्स फिर रही है। पेयर ये है यार, इस बार इसके बच्चे नहीं निकलवा सके, ये अंडे देती रहेगी। ये पैर है कुछ ही, देखो ये फिर रहे हैं, इस बार इनके बच्चे नहीं निकलवा सके यार। इतना मतलब मैं इतना बिजी रह गया था तो बच्चे निकलवा नहीं सके। फिर वो आपको पता है कोर्क मुर्गी भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है इन दिनों ना, कोर्क मुर्गी भी नहीं मिली, फिर गर्मी भी थी जिस वजह से मैं थोड़ा नहीं निकलवाया बच्चे, ताकि गर्मी की वजह से मुर्गी ना मर जाए। अभी भी एग ले कर रहे हैं, ये पैर भी कर रहा है और पैर भी कर रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 पेयर है। और इनका सीज़न है ये एग ले का ना, एग लेंगे का सीज़न है ये, इस सीज़न को ये करते हैं। ये हो गया मोर, तीतर जो भूरे तीतर होते हैं हमारे दखनी हो गए, वो इन दिनों ही ब्रीड करते हैं ना, वो इन दिनों ही मतलब एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, वो फिर खुद बैठते हैं। ये भी अक्सर पेयर खुद बैठता है मगर ना कभी नहीं बैठता वो। यूँ यार मेरे घर कुत्ता है, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको, वो अंडे खा जाता है, वो उनके अंडे खा जाते हैं, इनकी जगह ख़राब कर देते हैं, इसकी वजह से ये फिर बेचारे बैठते नहीं हैं वहाँ पर। तो माशाल्लाह ये चूज़े निकलवाए थे, ये दिखा नहीं सका आपको, कुछ इसमें बड़े हैं कुछ छोटे से हैं ना, अभी मेरे ख्याल में कुछ मंथ के ही होने वाले होंगे, कुछ दिनों के हैं, मुझे याद नहीं थी इनका। ये देखें ये माशाल्लाह ये निकले थे टोटल 20 पीस, 20 पीस में से कुछ बची यार, इनको बीमारी लग रही है। ये आपको दिखा सकूँ, ये देखो पीछे चूज़े फिर टांगे से खोली फिर रहा बेचारा, पता नहीं इनको बीमारी भी समझ नहीं आ रही हुई तो हुई क्या इन्हें। तो बाकी माशाल्लाह ठीक हैं सारे। ये इन्हें फीड रखी थी थोड़ी देर पहले, फीड खाई है इन्होंने, पानी रख दिया था जी। ये माशाल्लाह इनके बच्चों के माँ बाप भी दिखाऊंगा आपको, इनके लिए कीड़े भी बनाएंगे कभी, कीड़े जब बनाएंगे उसकी भी वीडियो बनाएंगे, कीड़े कैसे बनाए जाते हैं इनके लिए, ये चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यार काफ़ी अर्सा हो गया था बिज़ी रह गया था, मैं वीडियो नहीं बना सका, तो काफ़ी अर्से बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखें क्या बन रहा है, ये 3 केज हैं, ये बनवा रहे हैं मुर्गों के लिए। यार ये 2 दिन पहले ही काम स्टार्ट किया था इसका, अभी ना देखो ना मेरे ख्याल में 5x4 के ऐसे बने हुए हैं ये, इसमें फलाने मुर्गे ब्रीडर पे है ना, जगह थी नहीं कि इस वजह से नए खुडे बनवाए। अब इसके ऊपर ये केज है, इसके ऊपर रखेंगे स्लेपें, इस पे उस पे अभी इनकी करेंगे साथ मिलके पमेश, पमेश करके फिर इसके ऊपर ऑर्डर देंगे स्लेब का,
स्लेप रख के इनकी फिर इनकी मिट्टी सेट करेंगे, मिट्टी भी सेट करनी है अभी इसकी, मिट्टी सेट करेंगे इनकी, फिर इनके दरवाजे बनवाने हैं, दरवाजे बनवाएंगे। ये इधर देखो, ये थी चूंटियाँ थी मेरे हाथ पे लग गई, ये अभी उतारी हैं सारी। और ये देखो मोर बैठा है माशाल्लाह, इनका ब्रीडिंग सीजन है माशाल्लाह, अंडे स्टार्ट कर दिए मोरों ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मोर बैठा है, उसके अलावा ये एक केजी है, ये केजी बनवाएंगे, इसकी सेटिंग करनी है। अभी इसमें ना लकड़ी के ना स्प्रे वगैरह करेंगे ताकि जो बीमारी है इसके अंदर कीड़े जो वो होते हैं वो ख़त्म हो।